सरकार की ओर से नामित की गई एम्बुलेंस सेवा की कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप कर रखी है। आक्रोशित कर्मचारी एम्बुलेंस खड़ी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अचानक ठप हुई एम्बुलेंस सेवा से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। मरीज घंटों फोन मिलाते रहे मगर उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। मजबूरी में निजी वाहनों से अस्पताल में मरीज लेकर तीमारदार पहुंचे। स्वास्थ्य महकमा भी कर्मचारियों के आंदोलन के कारण लाचार नजर आया। प्रदेश संघ के आह्वान पर जनपद के 240 एम्बुलेंस कर्मचारी संयुक्त जिला चिकित्सालय गेट के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी चालकों ने जिला अस्पताल के पास सड़क पर सभी एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। चालक सेवा प्रदाता कंपनी की कार्य प्रणाली से नाराज है। एम्बुलेंस कर्मी वेतन बढ़ोतरी, पायलट प्रोजेक्ट खत्म करने और 8 घंटे की ड्यूटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। क्या नाम है किसका? मेरा नाम अवधेश भारती है, मैं एमटी पद पे हूं। क्या मांगे? मांगे सैलरी बढ़ोतरी के लिए हो रही है और पायलट प्रोजेक्ट कम बंद किया जाए। हमारे जो भी स्टाफ के जो भी बंदे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा भी मिले। जो भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, बीमार पड़ जा रहा है, उनको कोई देखने वाला, उनके घर वाले भी बेघर हो जा रहे हैं। बताइए 8,000-9,000 में क्या होगा? हम लोगों का घर कैसे चलेगा? क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि सैलरी हमारी बढ़े और हमारे जो भी बंदे उनको स्वास्थ्य बीमा या सुविधा मिले और 12-12 घंटे की ड्यूटी किया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी किया जाए और ये पायलट प्रोजेक्ट बंद किया जाए। अगर आपकी मांगे तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रहेगा। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कोई सूचना मिलती हो, अगर वो कहते हैं तब तो रोका जाएगा, तो नहीं रोका जाएगा। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप लोग? मेरा नाम शांतनु कुमार पांडे है, मैं जिला अमेठी में पायलट पद पर नियुक्त हूँ। क्या मांगे, किस लिए हड़ताल पे हैं? हम लोगों की मांगे ये हैं कि जैसे कि हम लोगों की तनख्वाह समय से नहीं आ रही, पिछले 2 महीने से हम लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है और वेतन में भी कटौती हो रही है। जितना वेतन निर्धारित किया गया था अभी तक उसमें से भी कम वेतन आ रहा है। अभी तक हम लोग 8,943 रुपये में काम कर रहे थे, उससे भी कम वेतन आ रहा है। हमारी मांग ये है कि जैसे कि हम लोगों को बताया गया था कि आपका प्रतिवर्ष 12 से 15% वेतन बढ़ोतरी हुआ करेगा, आज तक 1 रुपये की वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है कटौती होने के अलावा। उसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें हम लोगों को वेतन भोगी से हटाकर दिहाड़ी पे हम लोगों को दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने धरना रखा हुआ है यहाँ पर। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएँ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो लखनऊ में अभी बैठे हुए हैं धरने पर, और हम लोग इसी वजह से हम लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। जो ये सारी मांगे हैं, हम लोगों की 7 सूत्री मांगे हैं, वो सारी प्रदेश अध्यक्ष जी के पास हैं। अगर वो मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम लोग तत्काल प्रभाव से धरना खत्म कर देंगे। अगर नहीं मांगी गई अभी मांगे तो हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।